ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। मध्य प्रदेश के सीधी जिला से बड़ी खबर ये बता दें कि सीधी माँ बीते 24 फरवरी का भीषण सड़क दुर्घटना सुनने आई रही, जहां अनियंत्रित ट्रक चालक के द्वारा एक के बाद एक कई के तीन बसन का ठोकर मार दी गई। ये घटना में जहां 50 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए रहे तो 15 मौत हुई आई रही। पूरे घटना में जिम्मेदार ट्रक चालक के द्वारा जमानत खातिर याचिका दायर की गई रही और ट्रक चालक के अब जमानत याचिका का खारिज कर दिन गया है। न्यायालय के द्वारा आरोपी ट्रक चालक का जेल भेज दिन गया है। तो विंध्य क्षेत्र के पहल पकड़ी न्यूज चैनल वहां पूजा अपना पंचे सभी जन का प्रणाम कही थे शुरू करी थे बड़ी खबर से। बता दें कि सीधी माँ दर्दनाक हादसा में करीब 15 जान चली गई रही जबकि 50 लोग घायल हो गए रहे। 24 फरवरी को बता दें कि दुर्घटना सोही आई रही। सतना में सबरी जन्मोत्सव के कार्यक्रम के दौरान ये लोग शामिल हुए खातिर गिर रहे, जहाँ से लौटे के दौरान हादसा के शिकार हो गए रहे। हादसा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा रात में पहले घटनास्थल के निरीक्षण किएगा और बाद में रीवा मेडिकल कॉलेज पहुंच के घायलन के हालचाल जानेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा घलाए हादसा में दुख जतावा गया रहा, जहां मुख्यमंत्री के द्वारा मृतकन के परिजनन का 10-10 लाख रुपया और गंभीर रूप से घायलन का 2-2 लाख रुपया के साथ साधारण घायलन का 1-1 लाख रुपया की आर्थिक मदद दे के ऐलान किया रहा। उनके द्वारा यह कहा गया रहा कि मृतकन के अगर कोनो आश्रित ऐसा है जो शासकीय सेवा में लीन जा सका था तो उनका योग्यता के मुताबिक सरकारी सेवा में लीन जाए। बता दें कि भीषण हादसा मोहनिया टनल के लगे बड़खरा गांव के समीप शुक्रवार रात करीब 9 बजे भा रहा, जहां तेज रफ्तार ट्रक के द्वारा 3 बसन का ठोकर मारी गई रही। टक्कर इतनी भीषण रही कि 2 बस खाई में गिर गई रही जबकि 1 बस हाईवे में पलट गई रही। बतावा जाता है कि ट्रक के टायर फटे के कारण यह पूरा हादसा भा रहा। जो ने बसन का ट्रक के द्वारा टक्कर मारी गई रही सतनामा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम से लौटत रही। ट्रक चालक श्यामलाल रावत पिता सूर्यदीन रावत निवासी ग्राम झोको थाना जियावन जिला सिंगरौली के द्वारा शराब पी के तेज गति और लापरवाही पूर्वक वाहन चलावा जात रहा, जिसके खिलाफ बता दें कि मामला दर्ज करवाया गया रहा। इस मामले में पुलिस के द्वारा थाना चुरहट में आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया रहा और चालक का गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया रहा। न्यायालय के समक्ष चालक का पेश किया गया रहा, जहाँ आरोपी चालक के तरफ से जमानत खातिर आवेदन दिया गया रहा। आवेदन के पुरजोर विरोध करके अपर लोक अभियुक्त रमाशंकर दुबे के द्वारा प्रभावी तर्क दिए गए, जिनके तर्क से सहमत हुए कि अपराध के गंभीरता और संपूर्ण परिस्थिति के विचार के बाद माननीय प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश सीधी के द्वारा आरोपी के जमानत याचिका निरस्त कर दी गई है। आरोपी चालक श्यामलाल रावत का जेल भेजे के आदेश दिन गए। तो सजग रहिए और सतर्क रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल दी जा। प्रणाम। एनिमेशन विजुअल इफेक्ट इन सभी में रोजगार की अपार संभावना। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश एरिना एनिमेशन। एरिना है तो जॉब है।